अब हमने तीनों चीज़ें सीख ली हैं। एक्सपोजर तीन चीज़ों से बनता है, आपका अपर्चर यानी कि होल इन द लेंस, होल कितना खुला है या कितना बंद है, कितनी लाइट आपके कैमरा में आ रही है लेंस के द्वारा। सेकंड आपका शटर, जिसका मतलब होता है टाइम, कितना टाइम दिया आपने इमेज को रिकॉर्ड होने के लिए, से 1/200 ऑफ अ सेकेंड। थर्ड आपका आता है ISO, मतलब ISO रीडिंग कितनी है, आपने कितना ISO रखा हुआ है और आपकी इमेज सही आ रही है कि नहीं। जैसा कि मैंने आपको बोला था, आप अपना कैमरा लगाइए और देखिए, जब आप ये बटन शटर जिसे बोलते हैं, शटर बटन या जिसे क्लिक बटन भी बोलते हैं, उसको आप आधा दबाएंगे तो ये आपको अंदर एक्सपोजर मीटर दिखाएगा, जिसमें ये आपको आपकी शटर स्पीड बताएगा, आपका F-stop जो कि अपर्चर होता है वो बताएगा, और उसके बीच में आपको एक एक्सपोजर मीटर बताएगा जो जिसके बीच में बिल्कुल जीरो है, और लेफ्ट साइड में या माइनस है और राइट साइड में प्लस है। लेफ्ट साइड में जहाँ पे आपको माइनस दिख रहा है वहाँ पे आपको नहीं जाना है, मतलब क्योंकि वहाँ पे फ़ोटो अंडर होगा, जहाँ प्लस है वहाँ पे फ़ोटो ओवर होगा। जो भी कैमरा है आपका, माइनस का मतलब होता है अंडर, चाहे वो किधर भी हो, चाहे लेफ्ट साइड में हो चाहे राइट साइड में, प्लस का मतलब होता है ओवर, चाहे लेफ्ट साइड में हो चाहे राइट साइड में हो। आपका प्रयास रहेगा कि आप जीरो पे क्लिक करें, इसमें आपको बैलेंस एक्सपोजर मिलेगा। अब एक्सपोजर का मतलब सिंपल ये है, जैसा हमें आँखों से दिख रहा है वही हम कोशिश कर रहे हैं अपने कैमरा को दिखाने की, ठीक है। अब अगर मैं यहाँ पे अगर आपको देखूँ अपने कैमरा से, मैं क्षितिज को देख रहा हूँ और क्षितिज मुझे एकदम एग्जैक्ट जीरो पे दिख रहे हैं, तो अगर अब मैं फ़ोटो उनकी खींच दूँगा, जो कि मैंने खींच दी राइट हाउ, अब ये बिल्कुल परफेक्ट एक्सपोजर में फ़ोटो आई है। लेकिन अगर मैंने इनकी फ़ोटो माइनस की तरफ क्लिक करी होती तो इनकी फ़ोटो डार्क आती, अगर प्लस की तरफ क्लिक करी होती तो ज़्यादा ब्राइट आती। अब आपके हाथ में तीन चीज़ें जिससे आप खेल सकते हो, एक तो आपका है अपर्चर जो आप होल कम बड़ा कर सकते हो, एक आपका है टाइम जिसको आप क्विक टाइम, लेस टाइम, ज़्यादा टाइम, जैसा लाइट सिचुएशन हो टाइम के हिसाब से, और ISO इस जगह पे, क्योंकि ये डे टाइम है, यहाँ पे 100 ISO है, उसके अलावा हमें कुछ नहीं चाहिए। अगर आपको लाइट कम नज़र आती है तो आप ISO बढ़ा के शूट कर सकते हो, आपकी फ़ोटो परफेक्ट है। यही एक्सपोजर है, लेकिन अब ये बहुत आसानी से मैंने आपको बता दिया, इसको प्रैक्टिस करने में आपको टाइम लगेगा। आप अलग अलग लाइटिंग सिचुएशन में, अलग अलग लाइट, मॉर्निंग, आफ्टरनून, इवनिंग, नाइट, आप फ़ोटोज़ लीजिए अपने कैमरा से और कोशिश करिए कि हर फोटो में आपका एक्सपोजर करेक्ट आए, ना फोटो डार्क हो ना ब्राइट हो, जस्ट राइट हो। दैट्स इट, थैंक यू।